दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान CHO भर्ती 2020 के बारे में। तो दोस्तों जो आपका विज्ञापन जारी किया गया था 1 सितंबर को, उसमें सीटों का जो बदलाव है वो किया गया है। तो सारी की सारी जो कैटेगरी है उनकी सीटों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। आइए देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटों का यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो CHO का जो रिक्रूटमेंट है आपका 2020 का, उसमें देखिए शुद्धि पत्र नंबर 2 यहाँ पे जारी किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले 1 तारीख वाले जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या कुछ सीटें थी और अब क्या सीटें हैं। तो दोस्तों हम पहले TSP की बात करें तो 1041 वो टोटल सीटों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 6310 ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन कैटेगरी वाइज सीटों में चेंज यहाँ पर हुआ है। अब देखिए आपका जो TSP का था, पहले देखिए जनरल कैटेगरी हम देखें 365, जो अब ये 8 तारीख को जारी किया इसमें 365 है, पहले यहाँ पे 521 थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तमाम जो सीटें हैं वो यहाँ पर देखिए जनरल फीमेल की उस टाइम पे 156 थी 1 तारीख वाले में, अब 105 हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से तमाम कैटेगरी की सीटें यहाँ पर कम हो या ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। ये शुद्धि पत्र TSP का। अब नॉन TSP पे आ जाते हैं दोस्तों, 5269 आपकी टोटल सीटें थी जनरल की, इसमें 1333 सीटें हैं, पहले 1 तारीख को जो जारी हुआ था उसमें 1889 सीटें थी, ठीक है। वो ये चेंज किस लिए आया वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब देखिएगा दोस्तों आगे हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC में देखिए 584 सीटें थी टोटल यहाँ पे, और अब ये पहले थी यहाँ पे 839 सीटें यहाँ पे मेंशन की गई थी, ठीक है, और अब हैं यहाँ पर 584 सीटें, जिसमें विडो डाइवोर्स जनरल या देख सकते हैं। ST की 438 सीटें हैं 8 तारीख का जो शुद्धिप्रण है उसमें, और पहले ST की थी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ST का मैं बताऊँ आपको 629, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें OBC की, ठीक है, OBC की पहले सीटें थी जो 1101, ठीक है, और अब यहाँ पर सीटें रहेंगी 767, ठीक है। अगला जो अपडेट है दोस्तों MBC का, पहले 184 सीट थी, अब MBC की सीट यहाँ पे बढ़कर हो गई हैं दोस्तों 262 थी, अब 184 हैं, ठीक है। और EWS की पहले सीटें थी दोस्तों 525, और अब यहाँ पे हो जाती हैं दोस्तों 369, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि दोस्तों पहले जो विभाग ने रिजर्वेशन दिया था वो अमूमन जो EWS का है वो यहाँ पे दे दिया था, जो 10% वैकेंसियाँ होती हैं, ठीक है, 5269 का 10% हम निकालेंगे तो 525 आता है। तो पहले EWS की 525 10% के हिसाब से दे दी थी, अब इन्होंने क्या किया है कि इसको हॉरिजॉन्टल रूप से रिवाइज्ड किया है इस वैकेंसी को, और उस हिसाब से इन्होंने ये क्रिटेरिया रखा है। दोनों ही विज्ञप्ति आप लोग जरूर देखिएगा, 1 सितंबर को जो आई 6 पेज की वो भी, और आज 8 तारीख को जो जारी हुआ है कल शाम को वो भी आप लोग देखिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। EWS को 10% रिजर्वेशन है, MBC को 5% है, उस सीटों के हिसाब से अब जो आपकी सीट रहेंगी ये रहेंगी, ठीक है। तो अब इन सीटों के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई का स्तर, कि पहले आपको लग रहा था कि ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन अब ये संशोधित विज्ञप्ति है और इसके अकॉर्डिंग ये फाइनल सीटें हैं सभी कैटेगरियों की, चाहे TSP हो चाहे नॉन TSP हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो फार्म संबंधी जो फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही थी उनके लिए मैंने जो भरत बेनीवाल जी भाई साहब हैं उनसे मैंने कल रात को फ़ोन पर बात की थी, और उन्होंने आश्वस्त किया है और आज शाम तक आपकी ये प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी। उनसे मैंने बड़ी आत्मीयता से बात की और बताया भी उनको किस तरीके की समस्या आ रही है, तो उस पर भी वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने आज शाम तक का मुझे नाम लिया था और संभवतः आज हो भी जाएगी, आप लोग भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप लोगों के लिए, अपनी तैयारी को आप लोग लगातार करते रहें, और कोई भी आपको CHO भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी शंका हो समस्या हो तो वो मुझे आप ज़रूर मैसेज करिएगा। तो दोस्तों सीटों को संशोधित किया गया है, ये जानकारी थी इस वीडियो के अंतर्गत, मुख्यतः तमाम कैटेगरियों के सीटों में यहाँ पर चेंज
किया गया है। रिजर्वेशन पहले थोड़ा सा वो जो विज्ञप्ति थी उसमें गलत तरीके से मेंशन किया गया था, लेकिन अब उसको शुद्ध कर दिया गया है, सही कर दिया गया है। इस वजह से ये सीटें कम या ज़्यादा यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।